T20 क्रिकेट में कोई भी मैच के अंदर लास्ट का 16 से 20 ओवर तक बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम रहा है। 16 से लेकर 20 तक जो ओवर हुई वे डेथ ओवर हुई, लेकिन डेथ ओवर में भी कुछ बल्लेबाज जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करी। तो आज के वीडियो में बन खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये जो विस्फोटक बल्लेबाज है इनमें सबसे जो पहला नाम आवे वो आवे सबका चेहता MS धोनी का। MS धोनी IPL के डेथ ओवर में सबसे ज्यादा 2632 रन बनाए और यही एक खूबी है कि MS धोनी एक सबसे सफल क्रिकेटर है। MS धोनी के बाद में अगला जो नाम आवा वो आवा किरण पोलार्ड को। पोलार्ड IPL में जो डेथ ओवरिंग बम कुल अब तक 1708 रन बनाई। पोलार्ड के बाद में अगला जो नाम आवे वो आवे AB डिविलियर्स को। AB डिविलियर्स जो कि IPL और अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। AB डिविलियर्स भी IPL में डेथ जो ओवरिंग बम से 1421 रन बनाई। AB डिविलियर्स के बाद में जो दिनेश कार्तिक है जो कि RCB के लिए खेले और दिनेश कार्तिक भी डेथ ओवर्स में 1364 रन बनाए। दिनेश कार्तिक के बाद में जो अगला नाम आवा चौंकाने वालों वो आवा रविंद्र जडेजा को। जडेजा एक टीम इंडिया को ऑलराउंडर है, साथ ही जडेजा शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ रहे हैं। तो जडेजा भी IPL में जो डेथ ओवर सी बाम में धोनी के सागर सागर है की कुल 1307 रन टीम के लिए बनाए। अगला जो नाम है वो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को नाम लिस्ट में बहुत ही ज्यादा चौंका रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा एक ओपनर है और ओपनर रहने के बाद में अगर रोहित शर्मा 16 से 20 ओवर वाला लिस्ट में शामिल हो रहे हैं तो ये नाम बहुत ही चौंकाने वाला है। रोहित शर्मा IPL की जो डेथ ओवरिंग बम अब तक कुल 1149 रन बनाई। रोहित शर्मा के बाद में नाम आवा गलो टीम इंडिया को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या भी IPL के डेथ ओवर में कुल 1036 रन बनाई, लेकिन हार्दिक पांड्या से ज्यादा रविंद्र जडेजा को नाम लिस्ट में पहले आवे। अगला जो नाम आवा वो आवा किंग कोहली को, विराट कोहली जो की IPL के डेथ ओवर में 1035 रन बनाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये खिलाड़ी जो की IPL का जो डेथ ओवरिंग बम 1000 से ज्यादा रन बनाई। तो अगर था वीडियो चोखा लगे तो ये वीडियो लाइक जरूर करियो और हाँ ये वीडियो शेयर भी कर दियो।